मैंने पिछले लेक्चर में जो बताया था वो थोड़े से उसकी कैसेट रिवाइंड देने लगी हूँ। मैंने बोला था कि जितना किसी बॉडी के ऊपर चार्ज होगा इंक्रीज करते हैं तो उतना ही ऑटोमेटिकली पोटेंशियल रेज होगा, मतलब क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं तो कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट इज सी। सी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस में हम स्मॉल स्पेस में बहुत सारा चार्ज जो है वो स्टोर कर सकते हैं कैपेसिटेंस के केस में। तो यहाँ से ये सी की वैल्यू आ गई क्या हुआ अपॉन वी। सी का जो यूनिट है एसआई यूनिट, दैट इज कॉल्ड फैरेड, और हमने निकाला था कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी हो गई, फर्स्ट चैप्टर में किया था। ए जो है एरिया हो गया ईच प्लेट, डी डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। नाउ कम्स टू दी कम कम्स टू द टॉपिक, दैट इज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को कितने तरीके से हम ग्रुपिंग उसकी बना सकते हैं। बेसिकली देर आर टू मैथड्स, फर्स्ट इज इन सीरीज। सीरीज में कैसे लगाते हैं, देखो मैंने तीन लिए हैं यहाँ पे कैपेसिटर्स। ये जो एक दो प्लेट्स शो हो रही हैं, दिस इज कैपेसिटर सी वन, कैपेसिटर सी टू, कैपेसिटर सी थ्री। कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला जो सॉरी सिंबल है वो ये ही यूज करते हैं, दो पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर के लिए। तो मैंने तीन ले लिए, तो क्या किया ध्यान से देखना ज़रा। मैंने यहाँ से चार्ज दिया प्लस क्या हो, तो सी वन की जो ये लेफ्ट प्लेट है ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई, ये प्लस क्या हो चला गया उस पर। उसके नियर बाय ये दूसरी प्लेट है, इनिशियल स्टेज पे ये अनचार्ज होती है, तो इंडक्शन जब ये इसके नज़दीक आई इंडक्शन की वजह से अंदर वाली साइड पे ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस हो गया और बाहर वाली साइड पे दूसरा चार्ज, यानी अंदर वाली साइड अगर इधर पॉजिटिव है तो अंदर वाली साइड पे नेगेटिव हो गया और बाहर वाली साइड पे पॉजिटिव हो गया। ये जो पॉजिटिव है ये आगे ट्रैवल करेगा, ये सी टू की लेफ्ट प्लेट को मिल गया। वैसे ही इंडक्शन की वजह से अंदर दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ गया, बाहर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज आगे जाएगा, सी थ्री की लेफ्ट प्लेट को मिला, उसी तरीके से राइट प्लेट पर अंदर वाले पार्ट पे नेगेटिव चार्ज आ गया, बाहर वाले पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो हर एक के क्रॉस पोटेंशियल सेम होगा, हमने सी वन के क्रॉस किया वी वन, सी टू के क्रॉस वी टू, सी थ्री के क्रॉस वी थ्री। यहाँ से जब हम प्लस क्या चार्ज हमने दिया था, यहाँ पे कितना पहुँचा ये लास्ट में प्लस क्या चार्ज, मतलब सीरीज के केस में चार्ज जो है वो सेम रहेगा लेकिन पोटेंशियल जो है वो चेंज हो जाएगा। तो नेट पोटेंशियल किसके इक्वल हुआ, v इक्वल टू वी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। आप यहाँ से देखो v की वैल्यू क्या होगी, v इधर ले जाओ c इधर ले आओ, क्या हुआ कौन सी, तो यहाँ पे लगा दी क्या हुआ कौन सी। v वन की होगी क्या हुआ कौन सी वन, v टू की क्या हुआ कौन सी टू, v थ्री की क्या हुआ कौन सी थ्री, क्योंकि क्या हुआ सेम रहना है, क्या हुआ यहाँ से कॉमन निकाल के इधर कैंसिल हो गया, वन ओवर सी की आ गई वैल्यू वन ओवर सी वन प्लस वन ओवर सी टू प्लस वन ओवर सी थ्री। मतलब सीरीज के केस में कैपेसिटेंस जो है वो रेसिप्रोकल में ऐड करनी है, रेसिप्रोकल में वो ऐड होती है, ये ध्यान रखना। अब मैं इसकी एक एग्जांपल बताने लगी हूँ कि अगर हमें वैल्यूज दी हों सी वन की वैल्यू दी हुई है टू फैरेड, सी टू की टू फैरेड, नेट कैपेसिटेंस निकालनी है सीरीज में निकालनी है, तो वन बाई टू प्लस वन बाई टू ये वन आ गए, उल्टा देंगे सी क्या आ जाएगा वन फैरेड। अब दूसरा बताने लगी हूँ पैरेलल में, पैरेलल में क्या होता है सबकी लेफ्ट आर्म्स है, बी की है सी वन
पोटेंशियल पैरेलल में सेम रहेगा हर एक के क्रॉस, जितने मर्जी कैपेसिटर्स लगा दो, लेकिन चार्ज जो है वो डिवाइड होगा इसमें। तो नेट चार्ज निकालेंगे, इधर सारी प्लेट्स पॉजिटिवली चार्ज होंगी, इधर बाहर की अंदर की तरफ नेगेटिव, बाहर की तरफ पॉजिटिव होगा। नेट चार्ज देखो कितना होगा, क्या वो इक्वल क्या वन प्लस क्या टू प्लस क्या थ्री, तो क्या की वैल्यू क्या इज इक्वल टू सी वी, वहाँ से हमने लगा दिया सी वी इक्वल टू ये सी वन सी टू सी थ्री वैल्यूज मिलगी, बी विल रिमेन द सेम, बी वन बी टू बी थ्री नहीं आएगा क्योंकि पोटेंशियल सेम होता है, बी यहाँ से कॉमन निकाल के कैंसिल हो गया तो कैपेसिटेंस आ गया। इसका मतलब ये हुआ पैरेलल में कैपेसिटेंस डायरेक्ट ऐड होती है, सीरीज में मैंने बताया था रेसिप्रोकल में, लेकिन पैरेलल में डायरेक्ट ऐड होती है। जैसे मैंने एग्जांपल दी है सी वन टू फैरेड है सी टू टू फैरेड है सी निकाल के, तो दोनों को ऐड कर दो डायरेक्ट टू प्लस टू फोर फैरेड। दिस इज द मैथड टू सॉल्व। आगे है डायग्राम्स के साथ, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें दो तीन एग्जाम्पल्स करवाऊँगी।